अच्छा अच्छा भी सुना है। नहीं, तू बोलना क्या चाहता है? वापस बोलता हूं, माइक बंद था। हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन 181, चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, लेट अस अंडरस्टैंड क्या बोलता है इन लोग। चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन होता क्या है? अब देखो मेरी बात। ए आज है ना, मैंने पैसे लिए किसी से, ठीक है, सुकन्या, व्हाट इज योर नेम, मोहिनी, मोहिनी, शी गेव मी 1 करोड़ रुपीज, और बोलती है सर इसको आप बिजनेस में डालो और खूब कमा के दो मेरे को। मैं बोला हाँ खूब कमाएगा, बहुत जोर से कमाएगा खूब, और मैंने 1 करोड़ लिया और उसका दान पुण्य कर रहा हूं। मैं बोला देख पुण्य कमा रहा हूं तेरे लिए, ये ना दिस इज रॉन्ग रे। यू वॉन्ट टू डू चैरिटी, डू इट विथ योर मनी, डोंट टेक अदर मनी एंड डू चैरिटी, डू इट वॉट इट इज मेंट फॉर। और इसीलिए कहने से, अगर तुमको चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन करना है तो तुमको किसको पूछना चाहिए? शेयर होल्डर को। किसको पूछना चाहिए? शेयर होल्डर को। तो कहने से चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए शेयर होल्डर को पूछना जरूरी है सनम। तो कहने से शेयर होल्डर को पूछना चाहिए, क्योंकि उनका पैसा है, उनका पैसा है, उनके पैसे को लेके तुम दान पुण्य कर रहे हो, यू आर डूइंग चैरिटी। ये कहने से उनके साथ गलत हो जाएगा, ये उनको चैरिटी करना होता खुद कर लेते, या तुमको करना है तो अपने पैसे से करो। डोंट टेक अदर्स मनी एंड डू चैरिटी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट गोज लाइक दिस, चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सो व्हेन यू आर डूइंग चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन यू नीड टू सेटिस्फाई फ्यू कंडीशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, ये जो भी प्रोविजन मैं पढ़ा रहा हूं, मीन्स वॉट, पब्लिक कंपनी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी। तो चाहे तुम पब्लिक हो कंपनी, या चाहे तुम क्या हो प्राइवेट, तुमको ए 180 इज एप्लीकेबल ओनली टू आ क्या पब्लिक कंपनी, बट 181 इज एप्लीकेबल टू पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनी। नाउ इफ कंपनी प्रपोज टू मेक चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग कितना परसेंट, 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। तो क्या नहीं से बच्चा लोग 5% एवरेज नेट प्रॉफिट के ऊपर करना चाहता है तो उसको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बाय पासिंग व्हाट? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। आप समझो इसको एक मिनट, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एक क्यों रहे ऐसा, समझो इसको क्यों ऐसा, प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर चाहिए। ए 180 में मैंने कौन सा रेजोल्यूशन बोला था? उस सेक्शन का हेडिंग ही स्पेशल रिजोल्यूशन, और तुम लोग सोच रहे हैं तो मैं सोच रहा हूं कि तुम क्या सोच रहे हैं। तो कहना ही से सेक्शन 180 में स्पेशल रिजोल्यूशन एंड 181 में क्या बोला इन लोगों ने, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब मेरी आंखों में देखो, सुनो, लुक इनटू माय ब्लू आईज एवरीवन। इन लोग ने एक्सीडिंग 5% बोला है, मींस व्हाट? इधर आ जाओ, ये थोड़ी कारीगरी हुई है यहां पे। अरे बाप रे, ये कौन सा ले लिया रे, एक मिनट, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है फन, परमानेंट मार्कर यूज हुआ था क्या? ओके लुक हियर, इफ यू आर मेकिंग चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, देन इन दैट केस दे आर सेइंग अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। कैसे? कंपनी कैन मेक इट, बीओडी कैन डू इट, एवरीबडी, शेयर अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड। एक्सीडिंग 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट यू नीड हुज अप्रूवल, शेयर होल्डर्स अप्रूवल, एंड बाई पासिंग वॉट, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एक क्यों अप टू 5% अलाउ करके रखा है? यार सोचो ना, किसी को अगर गणपति का चंदा देना है, गणेश का, उसके लिए भी बोलेगा रुको रुको शेयर होल्डर को बुलाता हूं, ओ आर,
एक कहने से मार खाने का काम करेगा वो, तो गवर्नमेंट बोलता है अगर तूने क्या किया है, सुनाई नहीं दे रहा, अगर तूने क्या किया है 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट पे किया है तो तेरे को किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन 5% से ज्यादा किया है तो अप्रूवल चाहिए। अच्छा एवरेज कितने साल का देखोगे? प्रिसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। और बेटा प्रिसीडिंग मतलब कहने से 18-19 में करना है तो 18-19 नहीं देखेंगे, कौन सा देखेंगे? 17-18, 16-17, 15-16, ये 3 साल। वैसा है फोटो लेना है इसका, फोटो फोटो लेना है, फोटो रेडी हो गए। नाउ लेट अस प्रोसीड एवरीबॉडी। अब इन लोग क्या बोलते हैं, इससे बहुत सिंपल था, खत्म हो गया ना रे 181, खत्म हो गया ना रे जिंदगी में। 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अगर तुम पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है, पॉलिटिकल पार्टी होता कौन है ये पहले तो, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन माना क्या जाता है पहले तो ये देखो, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या माना जाता है, पहला कंट्रीब्यूशन टू एनी लोकल पार्टी, टू एनी लोकल पार्टी नहीं सॉरी पॉलिटिकल पार्टी, इसको मैं चेंज कर देता हूं, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। एग्जाम्पल ये क्या है, ये क्या है बीजेपी, ये है कांग्रेस, सॉरी ये उंगली थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है रहने दो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये पॉलिटिकल पार्टी को तुम डोनेशन देता है, कैसे तुमको अप्रूवल लगेगा, किसका? शेयर होल्डर का। कैसा? स्पेशल रिजर्व। ए अप्रूवल की बात तो मैंने की ही नहीं है ना यार, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, तुमको कुछ तो करना पड़ेगा, क्या हो थोड़ी देर में बताऊंगा। तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या क्या माना जाता है, पहला ये कंट्रीब्यूशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा कंट्रीब्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ए बेनिफिट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी मतलब क्या, बेनिफिट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी मतलब क्या, एक कहने से मैं डोनेशन दे रहा हूं और उससे किसका भला हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का, मतलब कहने से इनडायरेक्टली, जैसे मैं अमित शाह को डोनेशन देता हूं किसका भला होगा, बीजेपी का, राहुल गांधी का को डोनेशन देता हूं किसका भला होगा, होप सो कांग्रेस का एक्सेट्रा, तो कहने से ये भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। एडवर्टाइजमेंट इन सॉवरन ब्रोशर एक्सेट्रा और पॉलिटिकल पार्टी, ये क्या होता है, सॉवरन ब्रोशर एक्सेट्रा, मैनिफेस्टो बनाते हैं ना, मैनिफेस्टो में एडवर्टीज करवा रहा हूं, पता है ना सब पॉलिटिकल पार्टी आजकल मैनिफेस्टो बना रहे, तो उसमें मैंने अपना ऐड करवा दिया, ये तो कहने से वो भी क्या माना जाएगा, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। पेमेंट टू एनी पर्सन हु इज लाइकली टू सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगेन जैसे मैंने बोला ना कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर बेनिफिट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, यहां पर भी कुछ वैसा ही है फ्रेंड्स, मैं किसी ऐसे को डोनेशन दे रहा हूं जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट मिल सकता है। एक छोटू सा एग्जाम्पल देता हूं मैं तुमको, अनुपम खेर, ही इज नॉट इन बीजेपी बट कहने से ही इज अ कोर सपोर्टर ऑफ बीजेपी, तो कहने से देयर इज अ चांसेस दैट ही मे हेल्प बीजेपी, सो कहने से इवन दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो चार है, पहला कहने से कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू पॉलिटिकल पार्टी, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू एनी पर्सन फॉर, या एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और कॉन्ट्रीब्यूशन मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा इन सोवेनर ब्रोशर एक्सेट्रा ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड फोर्थ इज वॉट, पेमेंट टू एनी पर्सन हु इज लाइकली टू गिव वॉट बेनिफिट टू वॉट पॉलिटिकल पार्टी, लाइकली टू गिव बेनिफिट टू वॉट पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सब है ना बेटा, क्या माना जाएगा, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। बट ये प्रोविजन किसको एप्लीकेबल नहीं है, पहला है गवर्नमेंट कंपनी को, मतलब नॉट एप्लीकेबल मतलब क्या, नॉट अलाउड है, ये कंफ्यूज मत हो जाना, नॉट अलाउड ओनली मतलब क्या, मतलब क्या, एक गवर्नमेंट कंपनी फॉर एग्जाम्पल बीएचईएल, भेल भेल मत करो, सेल,
एक्सेट्रा, ये कहने से ये लोग अगर डोनेशन दे रहा है, किसको डोनेशन दे रहा है, पॉलिटिकल पार्टी को, तो अलाउड है कि नॉट अलाउड है? नॉट अलाउड है। क्यों नॉट अलाउड है रे? अबे BHEL तो उसी को सेल, तो उसी को, उसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देगा जो किसमें रहेगा, पावर में। और इसीलिए इन लोग ने बोला ऐसे लोग पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकते। इट इज अलाउड और नॉट अलाउड एवरीबॉडी? नॉट अलाउड। तो गवर्नमेंट कंपनी कैन नॉट मेक डोनेशन। एनी कंपनी विच इज इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 ईयर्स, इन अ सिंपल लैंग्वेज कहने से न्यू कंपनी शुरू के 3 साल तक डोनेशन नहीं दे सकता है। क्यों? ये पहले तो उसका एग्जिस्टेंस ही, सर्वाइवल ही नहीं अभी तक हुआ है ठीक से। और दूसरा रीजन है नहीं देने का, क्या कहने से नई कंपनी है, उसको बहुत सारे लाइसेंस चाहिए होंगे, तो जानबूझ के ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देगा जो पावर में है, ताकि उसको फटाफट बहुत सारे नए नए लाइसेंस मिल जाए। और इसलिए एनी न्यू कंपनी फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस डोनेशन नहीं दे सकता है। तो मुझे बताओ कौन से दो लोग डोनेशन नहीं दे सकते हैं? हटाओ इसको। नॉट अलाउड। किसको किसको नॉट अलाउड? पहला है क्या? गवर्नमेंट कंपनी। दूसरा क्या? एनी कंपनी एग्जिस्टेंस कितना है उसका? लेस देन 3 ईयर्स। अब आगे आ जाओ, इस पर बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। पहले 7.5% का लिमिट था, अब डिलीट हो गया है। नाउ यू कैन मेक एनी अमाउंट एज पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द लिमिट एवरीबॉडी? नो लिमिट। यू कैन मेक एनी अमाउंट एज पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। एनी अमाउंट एज पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान देना, और कैसे कर सकता है पेमेंट? बाय अकाउंट पे चेक। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी कौन होता है? विच इज रजिस्टर्ड अंडर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट, जो किस में रजिस्टर्ड होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के लिए, ये अकाउंट पे ही चेक बोला, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड भी कवर्ड हो जाएगा इसमें, इलेक्ट्रॉनिक मोड। बाय द वे, नॉर्मली प्रोविजन रिलैक्स स्ट्रिक्ट होता है, डोंट यू थिंक? पॉलिटिकल पार्टी के लिए रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स नहीं हो गया है बीजेपी आने के बाद? आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट अब ऐसा हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टी को जितना डोनेशन देना है दो, तुमको कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ तुमको अकाउंट पे ही चेक से देना है। तो क्या फर्क पड़ता है, दे देगा ना यार, पहले भी तो रिकॉर्ड होता ही था ना यार। और दूसरा, इन लोग ने बोला बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वो तो बहुत सिंपल सी बात है, बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन तो आराम से पास हो जाएगा। बाय द वे, सर्कुलर चलेगा क्या? कूलर चलेगा नहीं। अच्छा सुनो ना मेरी बात, ये इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है, तुम समझ रहे हो ये? बट अब तुमको वो भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मतलब अब अगर पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन दे रहा है, तो इट इज टू बी डिस्क्लोज्ड और इट इज नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। एवरीबॉडी, टू बी डिस्क्लोज और नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, तो लिखो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी लिखो। एनी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, एनी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड मेड बाई टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी नेड अव इट, डोंट राइट इट, डोंट राइट दिस बिकॉज, डोंट राइट दिस एज ऑफ नाउ, इट इज नॉट इफेक्टिव फॉर यू ऑल। May 19 ना, सो लेट इट बी। हाँ, जस्ट कीप दिस पॉइंट ओनली, नीड टू बी डिस्क्लोज, डोंट चेंज द नोट्स। सो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन इज टू बी डिस्क्लोज वेयर, इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आगे आ जाइए सब लोग।
अगला पॉइंट क्या बोला है, अगर आपको आपने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में कुछ गड़बड़ कर दिया, क्या कर दिया आपने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में गड़बड़, गड़बड़ क्या हो सकता है, अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट नहीं किया, बहुत मस्ती है उसको, ले खटाखट कैश में पे कर दिया, कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। दूसरा उसने क्या कर दिया, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करते टाइम उस भाई ने जो अमाउंट किया पॉलिटिकल पार्टी को दिया, बट उसका प्रॉपर प्रोविजंस फॉलो नहीं किया, मतलब नई कंपनी ने दे दिया, शुरू के सेकेंड ईयर में दे दिया, फर्स्ट ईयर में दे दिया, गवर्नमेंट कंपनी ने दे दिया, ये मतलब ये सब कानून का वायलेशन हो गया बेटा। तो अगर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का तुमने वायलेशन कर दिया है सेक्शन 182 का, तो तुमको जिस कंपनी ने वायलेशन किया है उसको पेनल्टी लगेगा, कंपनी को 5 times ऑफ अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन लगेगा, मतलब 1 crore का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो 5 crore का फाइन। ऑफिसर इन डिफॉल्ट के पास 5 times ऑफ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन है ही, और जेल में भी जाने का मौका है, और कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, और एंड लिखा, मतलब ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है कि नॉन कंपाउंडेबल है, मारूंगा ना पकड़ के, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है ऐसा, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कंपाउंडेबल, इसको करो कंसोलिडेट करो सब लोग, क्या बोलता है इन लोग, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन सेक्शन 182, ए पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अलाउड और नॉट अलाउड, एवरीबॉडी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अलाउड, बट 2 लोगों को नॉट अलाउड, कौन से 2 लोगों को नॉट अलाउड, गवर्नमेंट कंपनी को और न्यू कंपनी फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या क्या माना जाएगा, नंबर 1 क्या माना जाएगा, अगर तुम कंट्रीब्यूशन कर रहे हो कैसे, टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और टू फॉर द बेनिफिट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और सॉवरेन ब्रोशर एक्सेट्रा ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, और चौथा क्या है, टू अ पेमेंट हु इज लाइकली टू गिव बेनिफिट टू द पॉलिटिकल पार्टी, तो ये सब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो, कैश चलेगा क्या, चौलबे की नो चौलबे, नो चौलबे, इट हैज टू बी व्हाट, अकाउंट पे ही चेक। एंड व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इज अ पार्टी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट। नाउ सेक्शन 183, आज मैं कुछ तुमसे पूछने वाला हूं, पूछू क्या, नेशनल डिफेंस फंड, ए इसमें जो तुम कंट्रीब्यूशन करते हो ये कहने से वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, और एक बात बताऊं, देश सबसे ऊपर है, देश से ऊपर कुछ नहीं है, ये देश है तो हम है, और इसीलिए गवर्नमेंट बोलता है अगर तुम नेशनल सिक्योरिटी के लिए नेशनल डिफेंस फंड को डोनेशन देता है तो तुमको नो अप्रूवल की जरूरत है। नो अप्रूवल मतलब क्या, कहने से सेक्शन 180, 181 और 182 या एक्ट या आर्टिकल, आर्टिकल मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी दिया हो, कहने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम समझ रहे मेरा बात, कुछ भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन ऑलवेज मेक व्हाट डोनेशन, कंट्रीब्यूशन मतलब डोनेशन ही होता है लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सोफिस्टिकेटेड रखते हैं, कंट्रीब्यूशन टू हुम, पॉलिटिकल पार्टी, सॉरी टू हुम, नेशनल डिफेंस फंड। ठीक छे, तो फिर से एक बार हो जाए, सुनो अभी बैक टू बैक मैंने तुमसे 3 donation की बात किया, ये तो कहते 180, 181, 182 एक्ट और आर्टिकल में कुछ भी दिया हो यू कैन मेक डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, ये लोग बोलता बट उसको तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा पीएनएल में, ये तो गर्व की बात है डिस्क्लोज करना, मैं बोलूंगा देखो मैंने देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, वतन वतन, मतलब तुम समझ रहे हैं, ज्यादा गाना मत गाओ, कहां से दिखाए बेसुरा सब, तो तुम अगर डोनेशन देता है तो गर्व की बात है, गर्व से कहो हमने डोनेशन दिया, तो कौन बोलता डिस्क्लोज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इवन बैक टू बैक कितने सेक्शन तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारे, 3, 181 ब्रेक के बाद तो यही लिया था, याद है ब्रेक 181, क्या 4-5 लगा के रखा है, 182, 183, ये 3 सेक्शन हुआ ना, 181 किसको डोनेशन देता है,
चैरिटेबल ट्रस्ट, 182 पॉलिटिकल पार्टी, और 183 नेशनल डिफेंस फंड। इधर किसका अप्रूवल चाहिए? शेयर होल्डर, मोर देन 5% है तो किसका अप्रूवल चाहिए? शेयर होल्डर का। कैसा अप्रूवल? ऑर्डिनरी। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन चाहिए, ठीक है। पेमेंट किससे करना पड़ेगा? अकाउंट पे चेक्स। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। नेशनल डिफेंस फंड को नो अप्रूवल, सिर्फ क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज़र तो सब में ही है ना यार। आ जाओ, अब जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जोर से इंपॉर्टेंट है। आ रहा है जोर से? देखो इधर, आई एम स्टार्टिंग विद सेक्शन 185। सब लोग वीडियो देखने वालों, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता ही होगा वैसे तो, बट फिर भी बता रहा हूं। लोन एक्सेप्टेड टू डायरेक्टर और इंटरेस्टेड पार्टी, देर आर लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स इन दिस। अब क्या अमेंडमेंट है क्या पहले था वो नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। सीधा नया मस्त फ्रेश सेक्शन पढ़ाता हूं, ताजा ताजा सेक्शन, खाके जाते हैं इसको, ठीक है। लोन सिक्योरिटी गारंटी इन कनेक्शन ऑफ लोन कैनॉट बी, देखो लोन सिक्योरिटी गारंटी, लोन सिक्योरिटी गारंटी, गारंटी मतलब गारंटी इन कनेक्शन ऑफ लोन कैनॉट बी गिवन, इधर कॉमा आ जाएगा, कैनॉट बी गिवन टू, कैनॉट बी गिवन बाई कंपनी टू डायरेक्टर और अदर इंटरेस्टेड पर्सन एज गिवन बिलो। अब ना बेटा, पहले ना 5 रिलेशंस थे जिसमें तुम लोन दे ही नहीं सकता था, अब उसको इन लोग ने तोड़ दिया है। जैसे दिल के टुकड़े करते हैं ना, वैसे 185 के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। अब सुनो मेरी बात, कैसे तोड़ा है पता है? अब ना लोन सिक्योरिटी और गारंटी अगर तुम करते हो, लोन सिक्योरिटी गारंटी, लोन पता है ना क्या होता है, किसी को मनी दिया तो, सिक्योरिटी गारंटी क्या होता है रे? अगर किसी ने लोन दिया और तुम बोल रहे कोई बात नहीं तू उसको लोन दे, अगर उसने पे नहीं किया तो हम है ना, तुम समझ रहे है? तो ये सिक्योरिटी गारंटी हो गया। अब थोड़ा ध्यान दो, क्या दो ध्यान, अब दो रिलेशन है, एक है पहला नॉट अलाउड, लोन सिक्योरिटी गारंटी सेक्शन 185, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड में दो है, टू, और अलाउड विथ कंडीशंस उसमें है 3। अब कंडीशंस क्या है वो थोड़ी देर में बताऊंगा, ये मुझे नहीं चाहिए, तुम मत कट करना, जो वीडियो देख रहे हो मत कट करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। सो लोन सिक्योरिटी, लोन सिक्योरिटी नहीं सिक्योरिटी, लोन सिक्योरिटी गारंटी, गारंटी, ये 3 चीज आप करना चाहते हो जोर से, 2 केस में इट इज नॉट अलाउड, 3 केस में इट इज अलाउड, इन 2 केस इट इज नॉट अलाउड, एंड 3 केस इट इज अलाउड, बट सम कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाई। सर व्हाट आर द कंडीशंस? आई विल लेट यू नो दिस, बट कौन से 2 केस में नॉट अलाउड? जो पहले के 2 रिलेशन है ना, डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और देयर रिलेटिव। अच्छा मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुमको पता होगा, बट एक मिनट, क्या पता शायद ना भी पता हो, जरा स्क्रीन पे देखना, अच्छे से देखना, मुस्कुरा के देखना, क्योंकि मेरी मुस्कुराने की वजह, देखो इधर हंसो मत, देखो इधर, लोन सिक्योरिटी डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और देयर पार्टनर और देयर रिलेटिव, मतलब क्या हुआ? ए रिलेशन एक बार मैं दिखा देता हूं तुम लोग को, बाद में मत बोलना सर ने बताया नहीं। एक्स लिमिटेड है और उसका एक होल्डिंग कंपनी है एच लिमिटेड,
एक्स लिमिटेड में थ्री डायरेक्टर ए बी सी, एच लिमिटेड में तीन डायरेक्टर डी ई एफ। अब बेटा लोन किसको किसको नहीं दिया जा सकता, तो बोला डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी मतलब इनको नहीं दे सकते हो, और डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी मतलब इनको भी नहीं दे सकते हो लोन सिक्योरिटी गारंटी, इनको भी नहीं दे सकते हो लोन सिक्योरिटी गारंटी। सो यू कैन नॉट गिव लोन सिक्योरिटी गारंटी टू डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी एज वेल एज डायरेक्टर ऑफ देयर होल्डिंग कंपनी। लेकिन आप समझो मेरी बात। फिर उसके बाद इन्होंने और रिलेशन डाला, देखो देखो एक एक करके, और देयर पार्टनर, इसको दो मिनट के लिए रखो साइड में, और देयर रिलेटिव मतलब क्या, कैसे इनके रिलेटिव को नहीं दे सकते। रिलेटिव कौन होता है पता है तुमको? मत्रो अबायो मानो, कौन होता है पता है? हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, ऑल मेंबर्स ऑफ एच यू एफ, इंडिविजुअल, ब्रदर सिस्टर, स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, आएगा कि नहीं आएगा कुछ पता ही नहीं है तुमको? फादर मदर, स्टेप फादर स्टेप मदर, सन स्टेप सन, डॉटर स्टेप डॉटर आती है क्या? नहीं। तो क्या नहीं थे ये रिलेशंस है एवरीबॉडी? नाउ वैसे मैं डिटेल में बताऊंगा, ये तो सिर्फ एक आइडिया दिया हूं मैं। ए, इनके रिलेटिव, इनके रिलेटिव को भी लोन नहीं दे सकते हैं, और ना इनके रिलेटिव को लोन दे सकते हैं। मतलब ना मिसेज ए को, मिसेज बी को, मिसेज सी को, मिसेज डी को, मिसेज ई को, मिसेज एफ को, कैसे इनमें से किसी को भी तुम लोन नहीं दे सकते जिंदगी में। अब समझिए क्या बोलता है इन लोग। तो यू कैनॉट गिव लोन सिक्योरिटी और गारंटी, यू कैनॉट गिव वॉट लोन सिक्योरिटी और गारंटी किसको? डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और देयर रिलेटिव। पार्टनर के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरे में क्या बोला है, एनी पार्टनरशिप फर्म इन विच सच डायरेक्टर और द रिलेटिव इज पार्टनर। मतलब क्या, एक पार्टनरशिप फर्म है, किधर आ गया मैं, किधर आ गया, कौन सी कसौटी है जिंदगी की। एक पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म में अगर मिसेज ए पार्टनर है, सेकेंड पार्टनर है मिस्टर क्यू, दो पार्टनर है ना यार, एंड फर्स्ट पार्टनर है मिस्टर ए, उसको लोन दे सकता है क्या उस पार्टनरशिप फॉर्म को? आंसर इज नो। तुम ऐसे पार्टनरशिप फॉर्म को लोन नहीं दे सकता है जिसमें उस कंपनी का, इस कंपनी का, इस कंपनी का डायरेक्टर या उसका रिलेटिव क्या है, पार्टनर है। ऐसे पार्टनरशिप फॉर्म को भी नहीं दे सकता, ऐसे पार्टनरशिप फॉर्म को भी नहीं दे सकता जिसमें उसकी होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर इज अ पार्टनर, या तो उसकी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव्स आर दी पार्टनर। मतलब या तो उस कंपनी का डायरेक्टर इज पार्टनर, उस कंपनी का डायरेक्टर इज पार्टनर, या तो उसकी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव इज दी पार्टनर, उसको नहीं दे सकता है। अब अगर उसका रिलेटिव पार्टनर है, सॉरी, एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें उस कंपनी का डायरेक्टर पार्टनर है, तुम थोड़ा समझो ये थोड़ा ट्रिकी बात है। एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें उस कंपनी का डायरेक्टर इज व्हाट, पार्टनर, तो क्या वैसे पार्टनरशिप फॉर्म को दे सकता है? क्या वैसे पार्टनरशिप फॉर्म के दूसरे पार्टनर को दे सकता है? उसको भी नहीं दे सकता है। क्यों? डायरेक्टर के पार्टनर को भी आप नहीं दे सकता है। अगर ये कंपनी के डायरेक्टर इसमें पार्टनर है तो नहीं दे सकता है, लेकिन अगर ये कंपनी के डायरेक्टर इसमें पार्टनर है तो उसके दूसरे पार्टनर को भी नहीं दे सकता है। मतलब होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के पार्टनर को भी नहीं दे सकता है। लेकिन ये सब मैं इसके लिए इतना दिमाग नहीं लगा रहा हूं। अब एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें रिलेटिव इज पार्टनर, उस कंपनी के, उस पार्टनरशिप फॉर्म को तो नहीं दे सकता है, लेकिन उस पार्टनरशिप फॉर्म के दूसरे पार्टनर को दे सकता है। मतलब रिलेटिव ऑफ पार्टनर इज नॉट कवर्ड, रिलेटिव ऑफ पार्टनर इज व्हाट, नॉट कवर्ड। मतलब आपको समझना पड़ेगा यहां पे इन लोग क्या बोल रहे हैं। पार्टनर का रिलेटिव कवर्ड है कि नहीं है बच्चा लोग? पार्टनर का रिलेटिव कवर्ड है कि नहीं है बच्चा लोग? पार्टनर का रिलेटिव इज कवर्ड, उस रिलेटिव का पार्टनरशिप फॉर्म भी इस डेफिनेशन में कवर्ड, बट उस रिलेटिव के पार्टनरशिप फॉर्म का दूसरा पार्टनर इज नॉट कवर्ड। सर आप इतना गट फीलिंग से कैसे बोलते हो? दो मिनट देखो,
देखो ये दोनों डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन में क्या बोल दिया, डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकता है। सेकंड डेफिनेशन में क्या बोल दिया इन लोगों ने, यू कैन नॉट गिव लोन टू होल्डिंग कंपनी, सॉरी फर्स्ट पॉइंट में इन लोगों ने क्या बोल दिया, तुम उस कंपनी के डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकता है। सेकंड पॉइंट में इन लोगों ने क्या बोल दिया, उसकी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकता है। थर्ड पॉइंट में क्या बोल दिया, उस कंपनी के डायरेक्टर, क्या बोल दिया, उस कंपनी के डायरेक्टर। देखो ना, अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है या उसके एक होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है तो उसको लोन नहीं दे सकता है, समझ रहे हो। अगर उसके रिलेटिव किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है या होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है तो उसको लोन नहीं दे सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन उस पार्टनरशिप फॉर्म के दूसरे पार्टनर को नहीं दे सकते हो, ये तो सेकंड पॉइंट में कवर्ड ही नहीं है। तो तुम बोला सर फिर आपने डायरेक्टर के पार्टनर को क्यों एक्सक्लूड कर दिया, इसलिए क्योंकि कहने से फर्स्ट पॉइंट में वो कवर्ड है कि हम डायरेक्टर के पार्टनर को लोन, डायरेक्टर के पार्टनर को लोन नहीं दे सकते। फर्स्ट पॉइंट में कवर्ड हो गया ना यार, यू कैन नॉट गिव लोन टू डायरेक्टर, यू कैन नॉट गिव लोन टू डायरेक्टर और यू कैन नॉट गिव लोन टू ऑफ दैट कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और लोन टू पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर कवर्ड हो गया ना यार। सच डायरेक्टर मतलब उस कंपनी के डायरेक्टर एज वेल एज होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर, या तो वैसे पार्टनर, वैसे डायरेक्टर और या तो वैसे डायरेक्टर के रिलेटिव को भी नहीं दे सकते। सेकंड पॉइंट में लोग ने क्या बोला, ऐसे पार्टनरशिप फॉर्म को नहीं दे सकते जिसमें डायरेक्टर या उसका रिलेटिव क्या है, पार्टनर। और कैसे डायरेक्टर, सच डायरेक्टर, सच मतलब क्या, दैट कंपनी एज वेल एज होल्डिंग कंपनी। मतलब देख रहे हो कितना डेप्थ है डेफिनेशन में जिंदगी में, समझ रहे हो। सोचा था कभी इतना नहीं, सोचो, एग्जाम में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं फिर। हाँ, अब थोड़ा एक रख रहा हूं सामने, ए फिर से बोलू ये बात, फिर से बोलू क्या एक बार, देखो इधर, इधर देखो सब लोग, वीडियो वालों देखो थोड़ा, अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं धप्पा धप लिख रहे होंगे, दो मिनट रुक जाओ और टेंशन मत लो नहीं समझ रहा है, ऐसे समझाऊंगा। यू नीड टू हैव पेशेंस, हमेशा हॉस्पिटल में ही थोड़ी रहेगा पेशेंट। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब हटाओ, हटाओ हटाओ इसको, तहस नहस करो, भगाओ इसको, सब भगाओ, भगाओ भगेंद्र। ओके, देखो इधर इन लोग क्या बोलते हैं, लोन सिक्योरिटी गारंटी किसको नहीं दे सकता है? पहला डायरेक्टर को नहीं दे सकता है। कौन से डायरेक्टर को नहीं दे सकता है? उस कंपनी के डायरेक्टर को नहीं और उसकी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी नहीं दे सकता है। फिर बोले और देयर पार्टनर, देयर पार्टनर मतलब इस डायरेक्टर के पार्टनर की बात कर रहे हैं ना यार, अब उसका पार्टनर मतलब कैसे बनेगा, कहने से पार्टनर मतलब लाइफ पार्टनर की बात तो नहीं कर रहे ना, किसी पार्टनरशिप फॉर्म में वो पार्टनर होगा तो उस पार्टनरशिप फॉर्म का जो दूसरा पार्टनर होगा कहने से उसको कवर किया है, अरे समझ रहे हो। और देयर रिलेटिव मतलब इसके, इस कंपनी के और होल्डिंग कंपनी के रिलेटिव को भी नहीं दे सकता, तो कहने से इन लोगों ने कहीं ना कहीं फर्स्ट डेफिनेशन में क्या क्या कवर कर दिया, इसको कवर किया, उसके रिलेटिव को कवर किया, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को और होल्डिंग कंपनी के रिलेटिव को, और कहने से क्यू को मतलब किसके, इनके पार्टनर्स को और इनके पार्टनर्स को, रिलेटिव के पार्टनर को कवर किया क्या फर्स्ट पॉइंट में, अरे रिलेटिव के पार्टनर को कवर किया क्या, नहीं। अब सेकेंड पॉइंट में बोला पार्टनरशिप फॉर्म इन विच सच डायरेक्टर, सच बोला मतलब क्या, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर एज वेल एज, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर एज वेल एज सब्सिडरी कंपनी का डायरेक्टर, सच डायरेक्टर, उसको भी लोन नहीं दे सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें सच डायरेक्टर, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर और सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर या उनके रिलेटिव क्या है, पार्टनर है, तो ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें, ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर या तो उस कंपनी के डायरेक्टर क्या है, पार्टनर है, या तो उसके रिलेटिव क्या है, पार्टनर है, ऐसे पार्टनरशिप फॉर्म को आप लोन नहीं दे सकते। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, आप लोग ही सोच के बताओ ना, यहां पे क्या मैंने पार्टनर मतलब पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर इंक्लूड किया है क्या, नहीं, कहने से यहां पे तो इंक्लूड किया नहीं, मतलब रिलेटिव का पार्टनर तो ना यहां इंक्लूड हुआ ना यहां इंक्लूड हुआ, इसीलिए रिलेटिव का पार्टनर कवर नहीं होगा। जिसको डाउट है ना बाद में अकेले में शांति से रीड करके देखना, ये पॉइंट निकल के आएगा जो मैं बोल रहा हूं, तुम समझ रहे हैं।
अब देखो जरा एक बार फिर से थोड़ा नॉलेज के लिए आ जाओ, मुझे बताओ। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, दूसरी कंपनी है एच लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी है ये। किसको किसको लोन नहीं दिया जा सकता है? एक्स लिमिटेड क्या नहीं से उसके तीन डायरेक्टर ए बी सी डी ई एफ क्या नहीं से इन लोगों को दे सकता है क्या लोन? इन लोगों को लोन दे सकता है? नहीं, वो बोलेगा लोन दे लोन दे, तुम बोलेगा मत दे। इनको लोन सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे सकता है। इनको दे सकता है क्या लोन? बोलेगा लोन दे तुम नहीं देगा। इनके रिलेटिव को दे सकता है? नहीं। एक पार्टनरशिप फॉर्म है तो इनको लोन नहीं दे सकता है, इनके रिलेटिव को लोन नहीं दे सकता है, इसकी होल्डिंग कंपनी को लोन नहीं दे सकता है और उस होल्डिंग कंपनी के रिलेटिव को भी लोन नहीं दे सकता है। क्या तुम ऐसे पार्टनरशिप फॉर्म को लोन दे सकता है जिसमें ये लोग पार्टनर है, जिसमें ये डायरेक्टर लोग पार्टनर है, क्या उनको दे सकता है लोन? बोलो नहीं दे सकता है। जिनमें उनका रिलेटिव पार्टनर है उनको भी लोन नहीं दे सकता है, जिनमें होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर पार्टनर है उनको भी लोन नहीं दे सकता, और जिसमें उसकी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव पार्टनर है उनको भी लोन नहीं दे सकता है। उस पार्टनरशिप फॉर्म में अदर पार्टनर्स भी है जिसमें ये लोग डायरेक्टर लोग पार्टनर है, तो क्या उसके पार्टनर को लोन दे सकता है? नहीं। जिसमें ये डायरेक्टर लोग पार्टनर है उसको लोन दे सकता है? नहीं। जिसमें इसके रिलेटिव पार्टनर है उसके पार्टनरशिप फॉर्म को तो लोन नहीं दे सकता, लेकिन उसके पार्टनर को लोन दे सकता है और इसके भी रिलेटिव के पार्टनर को लोन दे सकता है। समझ रहे है तुम? ऐ समझ रहे है तुम? मतलब बोलने वाली बात क्या है? अच्छा, डायरेक्टर पार्टनर है तो लोन दे सकता है क्या? नहीं। लेकिन डायरेक्टर का रिलेटिव पार्टनर है तो उसके दूसरे उस पार्टनरशिप फॉर्म के दूसरे पार्टनर को लोन दे सकता। नहीं समझा? अरे बोलो। तो देखो क्या क्या कवर किया, डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और देयर पार्टनर और देयर रिलेटिव, एनी पार्टनरशिप फॉर्म इन विच सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज पार्टनर। मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है पार्टनर ऑफ रिलेटिव इज नॉट कवर्ड, मतलब तुमको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो देख के ही जाएगा, ये भूलने का सवाल ही नहीं। अब ये दोनों को तो आज भी प्रोहिबिटेड है, ये दोनों को तो आज भी प्रोहिबिटेड है, ये सवाल आज भी मेरे मन में है राधिका, कुछ नहीं ऐसे ही पका रहा था। किसको किसको नॉट अलाउड? रिलेशन बोलो। डायरेक्टर कौन सी कंपनी का? होल्डिंग सब्सिडरी। और कौन सी कंपनी का? और उनके क्या प्लस उनके रिलेटिव, ये एक रिलेशन हो गया। दूसरा पार्टनर, किसका पार्टनर? डायरेक्टर का। कौन से डायरेक्टर का? डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी। और तीसरा किसको नहीं दे सकते हैं? पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें कौन लोग पार्टनर है? डायरेक्टर है प्लस रिलेटिव है, ऑफ किसका? होल्डिंग एंड सब्सिडरी। अच्छा हो गया ना, ये सिंपल हो गया ना, एकदम सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। अब कुछ लोगों को, तीन लोगों को दे सकता है। सर आपने इधर तो बोला था दो, एक्चुअली दो तो लाइन है ना यार, बट रिलेशंस तो अलग अलग है ना, वो दो लाइन में, फर्स्ट एक पॉइंट में दिया फिर दूसरा एक पॉइंट में दिया, बट रिलेशंस तो बहुत सारे हैं ना यार। अच्छा अलाउड है कुछ केस में कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो, पहले ये नॉट अलाउड था अब अलाउ हो गया। कंडीशन देखो क्या है, पहला स्पेशल रिजोल्यूशन एक्सप्लेनेटरी यूज फॉर प्रिंसिपल एक्टिविटी, इसको समझाना पड़ेगा सुनो। अब अगर तुम लोग, ये तीन रिलेशन है, प्राइवेट कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, तीसरा भी बॉडी कॉर्पोरेट है, ये तीन लोगों को तुम क्या देना चाहते हो? लोन सिक्योरिटी गारंटी। क्या देना चाहते हो? लोन सिक्योरिटी गारंटी। नहीं दे सकते हो कि दे सकते हो? नहीं दे सकते हो कि दे सकते हो? दे सकते हो, लेकिन तुमको क्या पास करना पड़ेगा? नंबर वन स्पेशल रिजोल्यूशन, नंबर टू एक्सप्लेनेटरी नोट, नंबर थ्री इट शैल बी यूज फॉर प्रिंसिपल एक्टिविटी। मतलब क्या, थोड़ा समझाता हूं। ये अगर तुम किसी प्राइवेट कंपनी को लोन देना चाहते हो जिसमें सच डायरेक्टर, ये सच बोला है मतलब क्या, होल्डिंग कंपनी एज वेल एज दैट कंपनी एज वेल एज होल्डिंग कंपनी,
दैट कंपनी एज वेल एज क्या होल्डिंग कंपनी, ऐसी कंपनी का डायरेक्टर क्या है उसमें, या तो डायरेक्टर है या तो मेंबर है। अब थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा ध्यान दो, समझाता हूं मैं तुम लोग को। बोर्ड पे देखो, रेडी हो, रेडी हो, रेडी हो तो जाओ घूम के आओ। नाउ इधर देखो, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसका होल्डिंग कंपनी है एच लिमिटेड, ये लोन देना चाहता है राकेश कटरीना प्राइवेट लिमिटेड को। नाम सुना है कभी? इट्स अ वेरी बिग कंपनी बाय हार्ट। नहीं सुना है? चलो भागो फिर। आज से कह रहा हूं भागना मत, नहीं तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, आजकल जल्दी होते हैं। नाउ तो अगर सुनो, ये कंपनी क्या देना चाहता है, लोन देना चाहता है। अरे आ जाएगा आज, मार खाएगा ये मेरे से अभी। अच्छा सॉरी, अगर लोन देना चाहता है सिक्योरिटी और गारंटी, लोन सिक्योरिटी गारंटी, एक्स लिमिटेड किसको देना चाहता है, आरके प्राइवेट लिमिटेड को, समझ रहे हो, जिसमें एक्स लिमिटेड के डायरेक्टर ए बी सी और होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर डी ई एफ में से कोई भी क्या है इस कंपनी में, कोई भी क्या है, या तो डायरेक्टर है या तो इस आरके प्राइवेट लिमिटेड में मेंबर है, या तो क्या है, डायरेक्टर है या तो मेंबर है। ये तो ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पहले तुम लोन नहीं दे सकता था, बट आफ्टर अमेंडमेंट इनको लोन दे सकता है, बट कंडीशन है पहले इसको एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन। अच्छा कुछ लोग ऐसे महान होते हैं ना जिसको पद्म विभूषण मिलना चाहिए, पद्म भीषण मिलना चाहिए, महावीर चक्र, परमवीर चक्र मिलना चाहिए। मुझे पूछते सर स्पेशल रिजोल्यूशन किधर पास होगा, अबे जो कंपनी लोन देगी वहीं पे पास करेगा ना, यहां समझा। दूसरा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। सर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किसका देना पड़ेगा, अगर इंटर सीए में लॉ में ध्यान दिया होता तो ये नौबत नहीं आता। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किसका देना पड़ेगा, क्या नहीं, तो मीटिंग बुला रहा है तो नोटिस भेजेगा ना, तो नोटिस में जिस ट्रांजैक्शन के लिए मीटिंग बुला रहा है उसका डिटेल जो देते हैं उसको ही एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब एसआर ऑफ शेयर होल्डर एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट गो हैंड इन हैंड, इन हैंड। नाउ तो तुमको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, और क्या पास करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये दो चीज तुमने पास कर दिया, कितनी चीज, दो चीज। तो इसके बाद तीसरा कंडीशन बोला, इट शेल बी यूज्ड फॉर प्रिंसिपल पर्पस, इट शेल बी यूज्ड फॉर प्रिंसिपल पर्पस, इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं बेटा। इट शैल बी यूज्ड फॉर प्रिंसिपल पर्पस, अब इसका मतलब समझो आप, प्रिंसिपल पर्पस ऑफ बिजनेस, एक कौन यूज करेगा इसको प्रिंसिपल पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए। देखता हूं कितना कॉमन सेंस लगाते हैं सब लोग, एक्स लिमिटेड की आरके प्राइवेट लिमिटेड, लोग सोच रहे बाकी दो, पहला तो पॉइंट तो एक्स लिमिटेड के लिए था, अबे लेकिन यूज बोला है तो यूज तो वही करेगा जो लोन रिसीव कर रहा है ना यार, कॉमन सेंस है तुम्हारे पास, तो यूज तो वही करेगा जो रिसीव कर रहा है ना, जो लोन दे रहा है वो यूज करेगा क्या, नहीं। तो ऑब्वियसली आरके प्राइवेट लिमिटेड के दो बिजनेस है, एक कोचिंग है और साइड में वो भंगार भी बेचता है, स्क्रैप। तो बेटा उसका मेन बिजनेस ये है, और जो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं उसको तोड़ फोड़ के उन लोग भंगार में बेचते हैं, तो ये सब्सिडरी बिजनेस है ना, उस लोन का अमाउंट उसको किसके लिए यूज करना पड़ेगा, चोचिंग बिजनेस के लिए, किसके लिए, चोचिंग बिजनेस। अब तो सुनो ना मेरी बात, अब इस कंडीशंस को मुझे लिखना है, लिखू क्या रे, लिखू क्या, बोलो हाँ, हाँ बोलो बोलो, हाँ। देखो पहला क्या क्या कंडीशन है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, दूसरा एसआर ऑफ शेयर होल्डर्स लगेगा, और तीसरा रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मतलब जो रिसीव कर रहा है ना, शेल यूज इट फॉर
principal business. Recipient shall use it for principal business. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो तुम लोन दे सकता है किसको? अब एक दो तीन, किसको किसको? पहला, प्राइवेट कंपनी इन विच सच डायरेक्टर और सच डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर। इफ यहां से रिलेटिव कवर्ड ही नहीं है, क्यों? क्योंकि क्या नहीं, से प्राइवेट कंपनी में अगर वो डायरेक्टर, रुक जाओ ऐसे नहीं समझेगा, लिखता हूं तो समझेगा। ये देखो, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, दूसरी कंपनी है एच लिमिटेड। ये कौन सी कंपनी है? होल्डिंग कंपनी है। एक्स लिमिटेड में तीन डायरेक्टर है, ए बी सी डी ई एफ। एक्स लिमिटेड और दूसरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एक कंपनी का नाम सुना ही होगा तुम लोग, बहुत फेमस कंपनी है, इसके मेंबर बनना चाहोगे? आर के प्राइवेट लिमिटेड। ए एक्स लिमिटेड इसको लोन सिक्योरिटी गारंटी देना चाहता है तो दे सकता है, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ए बट कब? जब इसमें ये तीन में से कोई डायरेक्टर, इसमें क्या है, या तो डायरेक्टर है या तो मेंबर। सर मेंबर भी है तो फिर भी यस, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मेंबर इज एज गुड एज डायरेक्टर। मतलब प्राइवेट कंपनी का अगर तुमने कभी ऑडिट किया होगा, ये मेजोरिटी डायरेक्टर मेंबर ही होता है, और मेजोरिटी मेंबर डायरेक्टर के ही पावर वाले होते हैं, और इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डायरेक्टर मेंबर कुछ भी हो, क्या नहीं से लोन देना है तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेम वे अगर इसकी होल्डिंग कंपनी का भी कोई बंदा डायरेक्टर या मेंबर है, फिर भी इसको लोन सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज तो बोलोगे नहीं तुम लोग, लोन सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग को? ए नाउ मेरी बात सुनो, थोड़ा देखो, समझो, सोचो। इधर देखो, ये लोन सिक्योरिटी गारंटी, बेटा यहां पे अगर इसका रिलेटिव इसमें मेंबर है तो क्या कवर्ड है क्या? नहीं। मतलब क्या नहीं से इसमें मेंबर या डायरेक्टर है ना, रिलेटिव किसका? डायरेक्टर का, तो तुम डायरेक्ट लोन दे सकता है, कोई कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अब यहां से ये जो तीनों रिलेशन है ना, यहां पर कहीं पर भी रिलेटिव कवर्ड नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म में क्यों कवर था? क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एवरीबॉडी समझ रहा है जिंदगी में? समझा मुझे, तुमको समझा वो। दूसरा, लोन इज गिवन टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच वन और मोर डायरेक्टर एट अ जनरल मीटिंग होल्ड एटलीस्ट 25%। ए वन और मोर, एक मिनट, उधर सच डायरेक्टर लिखो ना, डायरेक्ट में सच लिखा हुआ है। वन और मोर इधर, रुको मैं कलर चेंज कर देता हूं। कलर कौन सा कलर? रेड कलर। वन और मोर सच डायरेक्टर, सच लिख दो ना सब लोग जो वीडियो देख रहे हैं। एट जनरल मीटिंग होल्ड कितना? एटलीस्ट 25% ऑफ वोटिंग राइट, इधर इंडिविजुअली और क्यूमुलेटिवली। ये बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लोग इंडियन कंपनी को तो इंक्लूड कर ही रहा है, प्लस फॉरेन कंपनी को भी इंक्लूड कर रहा है। एवरीबॉडी, इंडियन कंपनी एज वेल एज फॉरेन कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन ना यार, सब आ गया ना बोर्ड पे। देखो, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जिसके तीन डायरेक्टर है, ए बी सी और वाई लिमिटेड, सॉरी अपन अभी तक क्या नाम लेते आए, तो नाम क्यों बदलना है तुमको? एच लिमिटेड, जिसके तीन डायरेक्टर डी ई एफ, ये होल्डिंग है एच लिमिटेड, और एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसका नाम क्या रखूं? राकेश कटरीना प्राइवेट लिमिटेड नहीं डालता हूं, माइक्रोसॉफ्ट। बॉडी कॉर्पोरेट का फीलिंग आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब बेटा अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट में ये डायरेक्टर, ये डायरेक्टर, ये डायरेक्टर, ये डायरेक्टर, ये डायरेक्टर, ये डायरेक्टर, मतलब उस कंपनी का या होल्डिंग कंपनी का कोई भी डायरेक्टर, इधर इंडिविजुअली मतलब अकेले या तो सब मिलके कितना परसेंट शेयर होल्ड करके रखा है? 25% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। ये तो ऐसे केस में
अगर ये कंपनी इसको क्या देना चाहता है, लोन सिक्योरिटी गारंटी, तो उसको क्या देना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा उसको, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्यों? ये मतलब इसने 10% शेयर रखा, इसने 10% शेयर रखा, इसने 4% शेयर रखा, ए कह रहे क्यूमुलेटिवली कितना परसेंट शेयर है, ऊ नहीं कितना परसेंट शेयर है, 24%। तो मुझे बताओ अप्रूवल लेने की जरूरत है क्या लोन सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए? नहीं। ए, लेकिन अगर इसने 6% रखा तो अप्रूवल लेने की जरूरत है क्या? यस, बिकॉज दे आर सेइंग इधर इंडिविजुअली और क्यूमुलेटिवली होल्डिंग हाउ मच परसेंट, 25% और मोर वोटिंग पावर इन दैट बॉडी कॉर्पोरेट। क्यों डाला? एक क्योंकि कहने से इन लोग का इतना ज्यादा इसमें शेयर है, तो डोंट यू थिंक ये इसको लोन देगा और इनडायरेक्टली इन लोग ही उस लोन का मजा लेने वाला है, और इसीलिए बोला क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। और एक और बात बोला, बॉडी कॉर्पोरेट हुज एमडी बीओडी इज अकस्टम टू एक्ट एज पर द डायरेक्शन ऑफ वन और मोर डायरेक्टर्स ऑफ लेंडिंग कंपनी। तुमने नोटिस किया इन लोग ने हर जगह पे सच 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 लिखा था, बट यहां पे इन लोग ने सीधा क्या लिखा, लेंडिंग, सच नहीं लिखा। मतलब कहने से एटलीस्ट डायरेक्टली इन लोगों ने होल्डिंग कंपनी को इंक्लूड नहीं किया यहां पे। अब थोड़ा देखो ना इधर, इसका मतलब थोड़ा समझाता हूं मैं, बोर्ड पे देखो। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक और कंपनी है एच लिमिटेड, इसके तीन डायरेक्टर है, ए बी सी डी ई एफ। जा रहा बुद्धि में? नाउ अगर एक्स लिमिटेड इनको देना चाहता है जोर से क्या लोन, तो नहीं दे सकता, हम तो डिस्कस कर चुका है। बट एक और बॉडी कॉर्पोरेट है, इन लोग क्या बोलते हैं उस बॉडी कॉर्पोरेट का, इसका नाम क्या डाले हम लोग, तू कौन है, तेरा नाम क्या, इसका नाम है फेसबुक, फेसबुक, और फेसबुक का डायरेक्टर है मार्क। ध्यान दे रहे हो, वो क्रीम व्रीम नहीं रहना चाहिए इस कंपनी में, नहीं तो ये निकल जाएगा ना डायरेक्टर, मार्क से नो मार्क हो जाएगा। ध्यान दो, मार्क उसका डायरेक्टर है, एक और डायरेक्टर है उसका लेस मार्क, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये उसका होल टाइम डायरेक्टर है, और एक है जीरो मार्क, ये उसका सेकंड एमडी है, और दूसरा है 100% मार्क, ये सेकंड होल टाइम डायरेक्टर है। बेटा ये चारों जो जो ए बोलता है, जो जो बी बोलता है, जो जो सी बोलता है, उसी की सुनते हैं। मतलब इसको बोलते हैं अकस्टम टू एक्ट, अकस्टम टू एक्ट का मतलब होता है किसी के इशारों पे नाचना, किसी के इशारों पे नाचना, इन सिंपल वर्ड्स कहने से एक्टिंग ऑन समबडीज डायरेक्शन, एक्टिंग ऑन डायरेक्शन मींस अकस्टम टू एक्ट। अगर तुम किसी के डायरेक्शंस पे काम करते हो, देन इट विल बी ट्रीटेड एज दैट यू आर वर्किंग एक्टिंग ऑन अकस्ट, यू आर अकस्टम टू एक्ट ऑफ दीज डायरेक्टर्स। ऐसे केस में अगर किसी का बीओडी है एमडी इज अकस्टम टू एक्ट, फेसबुक का बीओडी एंड एमडी इज अकस्टम टू एक्ट, किसके इशारों पे काम कर रहे हैं, एज पर डायरेक्शन ऑफ वन और मोर डायरेक्टर्स ऑफ लेंडिंग कंपनी। ऐसे केस में ये कंपनी इसको लोन सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कहने से ये इसको लोन दे तो देगा, बट अल्टीमेटली ये जो लोग है कहने से इसके इशारों पे काम कर रहे हैं, तो डोंट यू थिंक दे विल गोइंग टू गिव दिस मनी बैक टू दीज पीपल ओनली? तो डायरेक्टली लोन ना लेके अब उन लोग इनडायरेक्टली लोन लेगा, एंड दैट्स वाई इनडायरेक्टली लोन लेगा इन लोग, एंड दैट्स वाई दे आर सेइंग इट इज अलाउड और नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, अलाउड और नॉट अलाउड, बट यू हैव टू सेटिस्फाई वॉट कंडीशन। ये बट कहने से यहाँ पे लोग ने होल्डिंग का लैंग्वेज क्लियरली नहीं लिखा है, मतलब कहने से गोइंग विद दैट लॉजिक अगर इन लोग इसमें इसके इशारे पे काम कर रहे हैं इन लोग, तो कहने से डायरेक्टली लोन दिया जा सकता है विदाउट कंडीशन एज पर स्ट्रिक्ट रीडिंग ऑफ डायरेक्ट, आई एम टेलिंग यू। नहीं तो क्या होता है ना, देर आर पीपल आई नो वो फोकट का सी डायरेक्ट में जो दिया वो आपको फॉलो करना पड़ता है, यू कैन, लॉजिक इज गुड थिंग। मैं भी हर प्रोविजन का लॉजिक बताता हूँ, हर प्रोविजन का, मतलब देर इज नथिंग इन दिस लॉ
whose logic I will not share. Obviously, I am not sharing much logic as of now, because as of now, more exam thing is relevant for you. Logic aap ek bar already padh chuka hai. But yes, logic cannot go beyond legal. What is given in the law, you have to abide by it. Are you understanding? So, beta, loan security guarantee to a body corporate whose BOD MD is accustomed to act as per the directions of which company? Lending company. Ab dekho na, total maine kitne relations bataya tumko. Ye dekho na. Loan security guarantee. अगर तुम लोन सिक्योरिटी गारंटी दे रहे हैं, ये तो कहने से इन लोगों ने क्या बोला है, तुमको तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा तो तुम दे सकते हैं. किसके लिए? लेकिन नंबर वन, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, बोर्ड पे देखो प्राइस क्या हो रहा है. ये नहीं, नहीं क्या हो रहा है भगवान मेरे साथ. देखो इधर, प्राइवेट कंपनी, ध्यान से देखो, प्राइवेट कंपनी जिसमें कौन है, जिसमें डायरेक्टर कौन सी कंपनी का, होल्डिंग कंपनी या तो दैट कंपनी का डायरेक्टर क्या है, होल्डिंग कंपनी या दैट कंपनी का डायरेक्टर क्या है, या तो इस डायरेक्टर है और क्या है, मेंबर. तो जिसमें डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी, होल्डिंग कंपनी और दैट कंपनी इज डायरेक्टर, और होल्डिंग कंपनी डायरेक्टर इज डायरेक्टर और मेंबर, या तो बॉडी कॉर्पोरेट को भी नहीं दे सकता जिसमें कौन, वन और मोर डायरेक्टर, कौन सी कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का दैट कंपनी का, कितना परसेंट शेयर है उसके पास, 25% टोटल वोटिंग पावर है. और तीसरा, उस बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं दे सकते हैं जिसमें उस कंपनी का, जिसका एमडी और बीओडी इज अकस्टम टू एक्ट, किसके डायरेक्शंस पे, लेंडिंग कंपनी के. किसके डायरेक्शंस पे, लेंडिंग कंपनी के. आप सुनो ना, दैट कंपनी ना, ओन कंपनी, सब्सिडी थोड़ी है पागल, वो कंपनी लिखो ऐसे, सी मतलब दैट कंपनी. इसका फोटो खींचना है कि लिखना है, मैं तो सोचता हूं फोटो खींच लो, दो तीन मिनट रुकता हूं. एग्जैक्टली फ्रेंड, देयर इज अ डाउट, सच डायरेक्टर मतलब क्या, तो सच डायरेक्टर मतलब होल्डिंग और दैट कंपनी, दोनों आ गया. लास्ट वाले में क्या लिखा है, लेंडिंग कंपनी. ठीक है,
फोटो खींच लो इसका एक बार, सब लोग फोटो खींच लो, देन विल प्रोसीड। ओके नाउ विल प्रोसीड एवरीवन। नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि दो रिलेशंस, डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और देयर रिलेटिव और देयर पार्टनर और रिलेटिव, यू कैन नॉट गिव लोन टू देम। पार्टनरशिप फॉर्म इन विच सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज वॉट पार्टनर टू यू टू देम ऑल्सो यू कैन नॉट गिव रिलेशन। देखो सीक्वेंस में याद रखो, सबसे छोटा इंडिविजुअल होता है, उससे बड़ा पार्टनरशिप, ये दोनों नॉट अलाउ। उसके बाद क्या आता है, प्राइवेट कंपनी, उससे बड़ा नेचर ऑफ बिजनेस, उससे बड़ा आता है बॉडी कॉर्पोरेट। ये तो ये लोगों को क्या है, अलाउड है। तो प्राइवेट कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट दोनों को अलाउड है, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई है। तो प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर और प्राइवेट कंपनी इन विच सच डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर, बॉडी कॉर्पोरेट इन विच सच डायरेक्टर इधर इंडिविजुअली और क्यूमुलेटिवली होल्डिंग 25% और मोर कैपिटल एंड बॉडी कॉर्पोरेट हुज बीओडी एमडी मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट एज पर डायरेक्शन ऑफ वन और मोर डायरेक्टर्स ऑफ द लेंडिंग कंपनी। चलो चले मितवा, ऊंची नीची गांव में आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट दे आर सेइंग अलाउड, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्शंस, व्हाट आर द एक्सेप्शंस एवरीबॉडी, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन फॉलोइंग केसेस लोन सिक्योरिटी गारंटी कैन बी गिवन टू किसको किसको, मतलब क्या नहीं थे, यहां पे तुम एलएसजी दे सकता है कि नहीं दे सकता है, अलाउड है ना, अलाउड, अलाउड है, अलाउड। नेक्स्ट पॉइंट, एमडी डब्ल्यूटीडी को दे सकता है, ये मतलब अदर डायरेक्टर्स को तुम नहीं दे सकता है, समझ रहे हैं। इफ इट इज गिवन अंडर सर्विस विच इज एक्सटेंडेड टू ऑल द एम्प्लॉइज, इसको थोड़ा समझाऊं मैं, समझाऊं क्या रे, ऐ समझाऊं क्या, अंडर स्कीम भी दे सकता है किसी को, मतलब वही डायरेक्टर्स को, इफ अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। ये दोनों पॉइंट समझाऊंगा, देखो इधर, देखो एक्सेप्शन, एलएसजी अलाउड ना यार, कौन से केसेस, थोड़ा ध्यान दो। अगर तुम लोन सिक्योरिटी गारंटी देता है किसको, एमडी को दे रहा है, डब्ल्यूटीडी को दे रहा है, चलेगा, अदर डायरेक्टर्स को मरेगा, मरेगा बोला ही था, मरेगा, इन लोगों को दे सकता है। इफ इट इज गिवन एज अ सर्विस एक्सटेंडेड टू ऑल द एम्प्लॉइज तो चलेगा। देखो इधर सब लोग, वॉट दे आर पर्टिकुलरली ट्राइंग टू से, आपको समझना पड़ेगा इस बात को, ठीक है। नाउ आपको समझना पड़ेगा इस बात को, एमडी डब्ल्यूटीडी अदर डायरेक्टर्स, ठीक है, अदर डायरेक्टर्स को तो आप नहीं दे सकते, सर्विस एक्सटेंडेड टू ऑल द एम्प्लॉइज, ए एमडी डब्ल्यूटीडी को दे सकता है व्हेन इट इज गिवन इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, जो लिखा नहीं है एक्ट में लेकिन मीनिंग वही है, इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय।
नाउ अब इसका मतलब समझो। ए, ये मेरी ऑफिस में एम्प्लॉई है, कितनी है तुम्हारी सैलरी साल की बताओ, व्हाट इज द सैलरी साल। ठीक है, तो इसकी सैलरी है साल की 5 लाख, नाउ 6 लाख, नाउ दिस 6 लाख सैलरी, ए ये आई मेरे पास, मेरे को बोलती सर मेरी मेरे को घर बनाने का है तो मेरे को लोन चाहिए। अब मेरी कंपनी में पॉलिसी है 40% लोन देता हूं मैं, ये तो मैंने इसको 40% लोन दिया 5 लाख का, जो भी होता है छोड़ो ना, कुछ भी होता है 2,40,000 आता है मैंने, या 2,20,000 आता है मैंने, 2,20,000 इसको लोन दिया। ये अब एमडी की सैलरी है 1 करोड़, एमडी आया बोलता मुझे भी लोन चाहिए, एमडी को 40% सैलरी दिया, लोन दिया मतलब 40 लाख दिया, ये कहने से ये चलेगा, इट विल बी ट्रीटेड एज प्रॉपर थिंग, ये गलत नहीं माना जाएगा। मतलब बोलने का मतलब क्या है मेरा, नहीं, मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अगर तुम किसी को सैलरी दे रहे हैं एंड इन विच कैपेसिटी तुम उसको सैलरी दे रहे हैं, एज अ एम्प्लॉई कैपेसिटी, तो कहने से वो चलेगा क्योंकि वहां पे उसको लोन मिल रहा है बट नॉट एज अ डायरेक्टर बट बिकॉज ही इज ऑल्सो एम्प्लॉय। ये बट 40 लाख चलेगा क्योंकि तुम सबको 40% दे रहा है, इसको तुम ज्यादा देगा तो नहीं चलेगा, इट विल बी ट्रीटेड एज कॉन्ट्रावेंशन। सर तो अदर डायरेक्टर्स को क्यों नहीं अलाउ किया, अदर डायरेक्टर्स तो एम्प्लॉय नहीं होता है, अदर डायरेक्टर इज नॉट ट्रीटेड एज एम्प्लॉय, तो उसको तुम कैसे दे सकता है, और इसीलिए अदर डायरेक्टर्स यहाँ पे कवर्ड है कि कवर्ड नहीं है, अदर डायरेक्टर्स यहाँ पे कवर्ड नहीं है। नेक्स्ट बोलते हैं अगर तुम एनी डायरेक्टर को देता है, अंडर स्कीम, किसी स्कीम के अंदर देता है जो स्कीम स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पास हुआ है ऑफ शेयर होल्डर, तो भी अलाउड है। अब ये समझो, कुछ ऐसे महामूर्ख लॉजिक लगाने वाले हो जाते हैं, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, मतलब देर आर कंफ्यूजन अमंग द पीपल इज वॉट यू नो। सर एसआर पास करके दे सकते हो, एसआर पास करके नहीं दे सकते हो, कोई स्कीम ड्राफ्ट हुआ है, जैसे मान लो कि सब क्रेडिटर्स है और हम लोग ने डिसाइड किया कि जो लोग हमारी कंपनी में 10 साल से क्रेडिटर्स है उन सबको हम लोन देंगे, सॉरी जो हमारी कंपनी में हाँ 10 साल से हमारे क्रेडिटर्स है उन सबको हम लोन देंगे, इफ जस्ट बिकॉज एंड वो स्कीम को एसआर ऑफ द शेयर होल्डर से पास किया है, नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डायरेक्टर भी उसमें क्रेडिटर हो एंड ही इज गेटिंग लोन बिकॉज ऑफ दैट, नाउ ही इज नॉट गेटिंग लोन अलोन ना यार, ही इज गेटिंग अलोंग विद अदर पीपल ऑल्सो, एंड दैट्स वाई दे आर सेइंग सिंस इट इज रिसीव्ड अंडर वॉट, सिंस इट इज रिसीव्ड अंडर स्कीम, सिंस इट इज रिसीव्ड अंडर वॉट स्कीम यू इट इज इट कैन बी गिवन टू डायरेक्टर्स बाई पासिंग वॉट, बाई पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर। इसका फोटो खींच लो ना, ओके विल प्रोसीड बच्चा लोग, मन लगा के पढ़ो, अपने को रैंक लाना है अभी, सबको जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबको रैंक लाने के, अभी ट्राई फॉर अ रैंक। निधि कंपनी में यू कैन गिव लोन टू मेंबर, इट इज अलाउड, सो क्या दे से इट इज अ थर्ड एक्सेप्शन जिसके लिए जगह नहीं है, थर्ड एक्सेप्शन इज व्हाट, निधि कंपनी यू कैन गिव डायरेक्टर को लोन बट ओनली इन कैपेसिटी ऑफ मेंबर, कैपेसिटी ऑफ व्हाट मेंबर, निधि कंपनी कैन गिव लोन टू डायरेक्टर बट ओनली इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर, क्यों रहे ऐसा कशाला कशाला। देखो इधर निधि कंपनी इज गिविंग लोन टू डायरेक्टर बिकॉज ही इज ऑल्सो द मेंबर इन द कंपनी, नाउ कैन आई से ही इज नॉट गेटिंग व्हाट,
He is not getting what? He is not getting loan because he is director. He is getting loan because he is what? Member. तो government बोलता prohibited नहीं है. निजी company में तो member होता है ना director यार. तो हम लोग सब member को loan दे रहे हैं. कुछ limit है. इतने रहोगे तो इतना loan मिलेगा. And because we are giving it to director, तो चलेगा. इन लोग बोलता है कोई भी contravention नहीं माना जाएगा. Next point. A company which is in the ordinary course of its business provide what? Loan or gives guarantee or security for the due of repayment. Then he has to charge what? Interest. मतलब ये बोल दिया है. इधर देखो तुम लोग ये सब पढ़ा है ना अभी. लोन दे सकता है ना यार. बट दैट लोन कैन नॉट बी वॉट? इंटरेस्ट फ्री. मतलब इंटरेस्ट चार्ज करना ही पड़ेगा. और कितना? जितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे गार्नर होता है एटलीस्ट उतना तो चार्ज करना ही पड़ेगा. ध्यान देना. अब समझो इसका मतलब. इसका मतलब क्या हुआ? पानी है क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम लोन सिक्योरिटी गारंटी दे रहे हैं तो दे दो जहां जहां पे परमिटेड है. बट तुमको एटलीस्ट उतना इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा जितना किस पे जेनरेट होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे. किस पे जेनरेट होता है बच्चा लोग? गवर्नमेंट सिक्योरिटी. और वो भी कैसा देखने का? क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन. मतलब क्या? एक कहना से गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अलग अलग सिक्योरिटी पे अलग अलग रेट होता है. 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स. एक कहने से तुमको देखना पड़ेगा कितने साल का है लोन. और जो भी क्लोजेस्ट साल होगा ना, जो भी क्लोजेस्ट साल होगा ना, उतना तुमको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मेरा डायरेक्टर को लोन दिया है 4 ईयर, तो बीच में आ गया 6 ईयर्स के लिए. तो कैसे 5 ईयर्स का टेन्योर देखोगे? 1.4 मंथ्स के, 1 ईयर 4 मंथ्स के लिए. तो 1 ईयर क्लोजेस्ट आ गया. तो ऐसे अब ऐसे नहीं निकालेगा सर 2 ईयर आ गया आप क्या करें. तो जो भी हायर इंटरेस्ट रेट होता है गवर्नमेंट के रेंज में वो कंसिडर करने का. तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? गवर्नमेंट बोलता है तू लोन दे रहा है ठीक है, लेकिन उतना तो इंटरेस्ट चार्ज कर जितना तू अर्न कर पाता. और किस पे अर्न कर पाता? जितना तू गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर, क्योंकि वो तो जीरो रिस्क होता है. तू इतना भी नहीं कर रहा, तू तो फिर पूरा का पूरा शेयर होल्डर का लॉस करवा रहा है. इसीलिए यू हैव टू चार्ज इंटरेस्ट लिटिल बिट. यू कैन नॉट गिव इंटरेस्ट फ्री लोन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ अगर आपने इसका कोई भी डिफॉल्ट किया तो जेल में जाने का मौका है, फाइन भरने का मौका है. कंपनी को मिनिमम 5 लाख का फाइन है और मैक्सिमम 25 लाख. सर कंपनी को जेल नहीं है क्या? हाँ फालतू बात. कंपनी को जेल कैसे होगा? डायरेक्टर इंटरेस्टेड पर्सन लोगों को फाइन लगेगा. कितना? मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 25 लाख. इतना ही नहीं, जेल में भी जाने का मौका है उनको. और नसीब अच्छा रहा तो बोथ. एक कैसे कंपाउंडेबल ऑफेंस है ये. और लिखा है ना, तो कौन सा ऑफेंस हो गया? कंपाउंडेबल लिख के रखा है मैंने नीचे. ध्यान दो. एप्लीकेबिलिटी सुनो, ध्यान दो. एप्लीकेबिलिटी, व्हाट इज एप्लीकेबिलिटी? लिसन केयरफुली. पहले तो ये पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल है. प्राइवेट कंपनी को दो बातों का नॉर्मली एप्लीकेबल कंडीशन सेटिस्फाई. देन नॉट एप्लीकेबल. सर क्या कंडीशन है? वही पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देखो.
it's not applicable to private company if all the following conditions are satisfied. तो अगर ये जो conditions मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ ये satisfy हो गया तो ये private company को applicable नहीं होगा. पहला condition, no body corporate should invest in the share capital of such private company. मतलब इन सिंपल लैंग्वेज, मैंने सिंपल लैंग्वेज में भी लिख के रखा ब्रैकेट में, नो बॉडी कॉर्पोरेट शुड बी इट्स शेयर होल्डर. बोरोइंग, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा और तीसरा. और अच्छा, ये तीनों कंडीशन क्यूमुलेटिव है, नॉट ऑल्टरनेटिव. मतलब यू हैव टू सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस. बोरोइंग किया है अगर उसने, किसने, उस प्राइवेट कंपनी में, फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉडी कॉर्पोरेट, ये तीन लोगों से, तो बोरोइंग शुड बी लेस देन व्हाट, ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, व्हिच एवर इज लोअर, उससे कम होना चाहिए. तीसरा, देयर शुड नॉट बी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट ऑफ सच बोरोइंग. सबसिस्टिंग डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट ऑन द डेट ऑफ गिविंग लोन. मतलब पास्ट डिफॉल्ट है और पे कर दिया तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, चलेगा. एक कौन सा बोरोइंग थे, सच बोरोइंग, मतलब ये वाला बोरोइंग ना यार, तुम समझ रहे हैं? अब इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, सिंपल लाइक अ पिंपल. देखो, एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी में पहला है पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनी को कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो. कौन से कंडीशंस? वन, कैसे उस प्राइवेट कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट शुड नॉट बी व्हाट, शेयर होल्डर. सेकेंड, प्राइवेट कंपनी ने अगर लोन लिया है तो इट शुड बी लेस देन व्हाट, 2 into पेड अप शेयर कैपिटल और 50 crore, विच एवर इज लोअर. मतलब अगर मेरा 50, मेरा पेड अप शेयर कैपिटल है 30 crore, तो उसका 2 times होता है 60 crore, 50 crore, which is lower, what is lower, 50 crore, तो loan shall be less than 50 crore from whom, by the way, bank plus financial institution plus body corporate, इन लोग से loan, तो उससे कम होना चाहिए. अगर मेरा paid up share capital 20 crore है तो उसका 2 times कितना हो गया, 40 crore, और 50 crore whichever is lower, what is lower, 40 crore, तो 40 crore से कम होना चाहिए. तीसरा, नो एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट होना चाहिए, एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट ऑफ लोन. कौन सा लोन? इन पॉइंट टू, जो पॉइंट टू में लोन दिया है ना उसका. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है ये टू लिखा है, तो फिर तुम क्या कर सकता है, इन दैट केस प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 185 इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? नॉट एप्लीकेबल. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो प्राइवेट कंपनी को नॉट एप्लीकेबल. अदरवाइज प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल. अच्छा, व्हाट इज द रीजन, क्यों ऐसा किया इन्होंने? अगर किसी प्राइवेट कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट इज अ शेयर होल्डर, डोंट यू थिंक देन दैट प्राइवेट कंपनी टेक्निकली नो मोर लाइक अ प्राइवेट कंपनी? बिकॉज इफ बॉडी कॉर्पोरेट इज अक्वायरिंग देयर शेयर्स, डोंट यू थिंक इट विल बिकम मोर लाइक अ पब्लिक कंपनी ओनली, बिकॉज अ बॉडी कॉर्पोरेट इज इन्वेस्टिंग. सेकेंड और थर्ड कंडीशन क्या बोला है, अगर तुम्हारे बॉडी कॉर्पोरेट, तुम्हारे प्राइवेट कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट शेयर होल्डर, बट कैन इसे लोन दिया है तुमको, और किसने लोन दिया है तुमको, तुमको बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बॉडी कॉर्पोरेट ने लोन दिया है, और वो लोन का अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है. क्या बोल रहा हूं मैं, वो लोन का अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है,
तो क्या नहीं से उस केस में भी आइडियली ये पैसा अब तुम्हारा बाहर का ही पैसा हो चुका है, इनडायरेक्टली पब्लिक का ही पैसा हो चुका है, और इसीलिए इन लोग ने एक कंडीशन डाला है। और तीसरा कंडीशन तो ऑब्वियस है, उन लोग ने तुमको लोन दिया और तुम डिफॉल्ट करके बैठा है, ये तो ऑब्वियसली पहले बाहर वाले को रीपे करो, बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह को, उसके बाद डायरेक्टर को पे करने की बात करो। इसीलिए ये तीनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई हो गया तो ही प्राइवेट कंपनी को नॉट एप्लीकेबल, अदरवाइज प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी को नॉट एप्लीकेबल है ये, क्यों? उनको अपने डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। किससे अप्रूवल लेना पड़ता है? डिपार्टमेंट से। फोटो खींच लो इसका। ये बहुत बड़ा और बहुत महान सेक्शन खत्म किया हम लोगों ने। खुचुक खुचुक। अब ध्यान दो, चलो मुझे बताओ पहले तो इसमें किसको किसको लोन नहीं दे सकते? दो लोग हैं, कौन से दो लोग हैं बोलो। पहला डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और देयर पार्टनर और देयर रिलेटिव, उससे बड़ा क्या आता है? एनी पार्टनरशिप फॉर्म इन विच व्हाट सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर, और सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर, ठीक है। फिर इसके बाद किसको किसको दे सकते हैं? तीन लोगों को। उसके लिए कुछ कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है एवरीबॉडी? यू हैव टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन, यू हैव टू मेक गिव एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एंड इट शैल बी यूज फॉर प्रिंसिपल पर्पस ऑफ द बिजनेस। इफ यू सेटिस्फाई ऑल थ्री कंडीशंस देन यू कैन गिव लोन। किसको किसको? एनी प्राइवेट कंपनी इन विच सच डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर, एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बीओडी एमडी मैनेजर इज इंडिविजुअली और क्यूमुलेटिवली, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच सॉरी वन और मोर सच डायरेक्टर इधर इंडिविजुअली और क्यूमुलेटिवली होल्ड्स एटलीस्ट 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। एंड थर्ड पॉइंट इज एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बीओडी एमडी मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट एज पर डायरेक्शन ऑफ वन और मोर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। फ्रेंड्स ओके, जस्ट गो थ्रू विद दिस 2 मिनट, इसको ग्लांस पे रीड करो आप लोग। ओके फ्रेंड्स, ये सेक्शन 185 बहुत टेक्निकल सेक्शन है, तो मैं स्ट्रेट अगर नए सेक्शन पे जंप होता हूँ तो इट विल बिकम वेरी बर्डनसम। तो आप लोग ये काम करो, पीसफुली एक 15 मिनट्स का मैं ब्रेक दे रहा हूँ, बट इट्स नॉट अ ब्रेक, इट्स अ रीडिंग टाइम। प्लीज टेक 15 मिनट्स ब्रेक। तो ये ब्रेक नहीं है, कोई नहीं जाएगा वीडियो के आगे से। अभी के अभी मेरे नोट से आप लोग 15-20 मिनट्स लेके पूरा रीड करो। एक बार आप पूरा रीड कर लोगे तो आई विल रिज्यूम द लेक्चर। सी आई विल रिज्यूम द लेक्चर बाय, आई विल टेल यू द टाइम, आई विल रिज्यूम लेक्चर एट 5:10। ओके चलो।